बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं रात के वक्त चश्मा लगा के क्यों बैठी हूँ। हाय गाइस, व्हाट्स अप। मैं तुम लोगों की डीएम्स पढ़ रही थी, हर बंदे ने यही बात की थी, अपने चैनल स्टार्ट किया तो उस पे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। पर कुछ लोग तो इतने चालाक हैं कि वो स्टॉकिंग करके ये भी देख लेते हैं कि मैंने पिछले व्लॉग्स को डिलीट कर दिया है। क्यों डिलीट किया? क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ। इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोज उठ के शूटिंग करूँ और व्लॉग को एडिट करूँ और फिर अपलोड भी करूँ। लेकिन नाउ आई गॉट द कॉन्टेंट विच इज आईफोन 14 एंड आईफोन 15 कंपेरिजन। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के बीच। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को व्लॉग बना के बता दिया जाए कि इसमें मतलब क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं, न्यू चीजें आई हैं और क्या चीजें रिपीट हुई हैं। आई एम बैक। उन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली आई गॉट द 14 प्रो मैक्स एंड माई फादर गॉट दिस 15 प्रो मैक्स। उनको ये कलर पसंद नहीं आया। आज वो नया कलर लेकर आए हैं विच इज टाइटेनियम, नो विच इज नेचुरल टाइटेनियम। इसकी अनबॉक्सिंग हम आपके साथ करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आईफोन 14 और आईफोन 15 प्रो मैक्स इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। मुझे तो कोई खास नजर नहीं आते। As you can see, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं रात के वक्त चश्मा लगा के क्यों बैठी हूँ। मुझे आई फ्लू हो गया है, मैं अंधी हो गई हूँ, इनमें से कुछ भी नहीं है। मेरा दिल कर रहा था। पर्सनली मुझे 13 प्रो मैक्स पसंद था। मेरे पास पहले 13 प्रो मैक्स था, देन आई गॉट 14 प्रो मैक्स। 13 प्रो मैक्स से बहुत ज्यादा लगाव था, चेंज करना पड़ता है। इसकी अनबॉक्सिंग हम यहाँ से इसकी सील को ओपन करते हैं। मेरे हाथ कांप रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। अब्बा का फोन है, मेरे हाथ से गिर ना जाए। And Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oh my God! Oh my God! Check out the color, guys. So pretty. इसकी ये शीट मैं अभी नहीं उतारूंगी क्योंकि मैंने स्नैप भेजनी है। पूछा मैंने कुछ? So guys, we are here with this natural titanium color. मैं तो इसको देख के मेरा दिल कर रहा है कि ये मैं ही रख लूँ। Like, let's unbox this and oh my god, mashallah, mashallah, mashallah. This is just so pretty. I can't explain in words. मुझे अपना 14 इसके सामने बहुत बुरा लग रहा है। इसके हम ऑन होने का इंतजार कर रहे थे। हमने इससे पहले ये कलर लिया था, मैं आपको कवर उतार के दिखाती हूँ। ये कलर पापा को पसंद नहीं आया। दिस इज द कलर टाइटेनियम ब्लू, जो मेरे पापा को पसंद नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई। तो जैसा कि आप लोग 15 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग देख चुके हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि इसके बॉक्स में हमारे पास क्या क्या आता है। और सबसे पहले तो बॉक्स आता है। बॉक्स को हम खोलते हैं, देन वी गेट द प्रीटीएस्ट आईफोन 15 प्रो मैक्स। इसको हम साइड पे रखते हैं। आती है एक केबल, चार्जर, हैंड फ्री। बहुत अरसे की निकाल दिए, जो फजूल चीजें। इसके अलावा हर चीज फजूल है। आई लाइक दिस स्टिकर सो मच। इसके अलावा इसके डब्बे में एज सच कुछ भी नहीं है। वी आर गोना कंपेयर आईफोन 14 प्रो मैक्स एंड आईफोन 15 प्रो मैक्स। सबसे पहले हम देखते हैं इनके कैमरास। 15 प्रो मैक्स चेक करते हैं, जिसकी सिंपल कैमरा बहुत ही अच्छा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे 14 और 15 से ज्यादा जो है 13 का कैमरा पसंद है, बट लेट्स चेक इट आउट। और इसके सिनेमैटिक शॉट्स भी बहुत अच्छे हैं। आई थिंक मुझे आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। पापा नहीं आए, मैं वीडियो बना रही हूँ। कैमरा क्या करना है? कंपेयर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बटन ऊपर ले आए बस। इधर दे मुझे सेटिंग खोल के। फोन से ये शूट हो रहा है व्लॉग, वो भी 14 प्रो मैक्स है। एंड इफ यू वांट टू सी द क्वालिटी ऑफ 14 प्रो मैक्स, यू कैन सी माय व्लॉग। तो 14 प्रो मैक्स को तो हम छोड़ देते हैं, हम चेक करते हैं 15 प्रो मैक्स की कैमरा क्वालिटी। सम सिनेमैटिक शॉट्स ऑफ 15 प्रो मैक्स। स्मूथ एंड स्लो मो वगैरह वो आप लोग खुद ही चेक कर लीजिएगा। और मुझे तो दोनों की कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इन दोनों से अच्छी 13 प्रो मैक्स की क्वालिटी लगती है। अब बात करते हैं दोनों फोन्स की। उसके वेट्स की बात करें तो 14 प्रो मैक्स थोड़ा हैवी फोन है और 15 प्रो मैक्स थोड़ा लाइट वेट है, थोड़ा सा, नॉट दैट मच, विच इज ईजी टू कैरी। उसके बाद इसके शार्प एजेस खत्म कर दिए और आई थिंक इसकी बैटरी इज 10 टाइम्स बेटर देन 14 प्रो मैक्स एंड 13 प्रो मैक्स।
मैंने 14 प्रो मैक्स अभी रिसेंटली लिया है, लेकिन मुझे इसकी बैटरी इतनी खास अच्छी नहीं लगी। हालांकि मैंने न्यू फोन लिया है, फिर भी मुझे इसकी बैटरी टाइमिंग इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी। बट 15 प्रो मैक्स पापा मेरे यूज कर रहे हैं, उन्होंने यही बताया कि 15 प्रो मैक्स की बैटरी बहुत अच्छी है। इसका मेटल यूज हुआ है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, और ये कलर तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन जो न्यू कलर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नहीं अभी सेटिंग नहीं की, जिसकी वजह से हम अभी इसके कैमराज वगैरह को चेक नहीं कर सकते। इसकी सेटिंग करने के बाद अगर पापा ने मुझे दिया तो मैं आपको इसके कैमराज चेक करके जरूर दिखाऊंगी, नहीं तो फिर बाय बाय टाटा। तो यही थी आज की, इतना सही कंपैरिजन मुझे आता है क्योंकि बीच में रैम रोम जीबी जो भी क्या है वो मुझे नहीं पता। अच्छा मेरा भाई आके मुझे कहता है कि 15 प्रो मैक्स का ड्रॉप टेस्ट करो, तो अब्बा ने मेरे ऊपर से नीचे फेंकना है और फिर मेरा ड्रॉप टेस्ट होगा। कि मुझे इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी आईफोन की, मुझे इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बीच में क्या होता है, क्या फीचर्स हैं, क्या नहीं है। हाँ iOS 17 जो न्यू आया है, iOS 17 यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें काफी अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो हमें 14 में भी मिलता है, 13 में भी मिलता है, तो इसमें ऐसी 15 से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जो नई अपडेट आई है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। गाइस यही थी हमारी वीडियो, मेरे पास ऐसा कोई चीज नहीं है, यही तक थी हमारी वीडियो, और इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि मैं दोबारा से ब्लॉगिंग की तरफ आऊंगी क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कोई काम ही नहीं है। तो हम अपने उसी तरह से मजे में आएंगे क्योंकि जिंदगी में और तो मजे हैं नहीं है। आप लोग खुद बताएं कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं या वीकली व्लॉगिंग करूं या 2 डेज छोड़ के व्लॉगिंग करूं या मंथली एक व्लॉग अपलोड करूं, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइज। और काफी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे कहा था कि आप व्लॉग्स ज्यादा डालें एज कम्पेयर टू रील्स, बट आई थिंक कि अगर रील्स में ज्यादा यू नो रीच होगी तो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स आएंगे। तो यस स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज विच इज मेंशन्ड बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई एम होपिंग फॉर अ न्यू एक्साइटिंग वीडियो। जब तक वो वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।